नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की राजनीति मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व विभाग प्रमुख डॉक्टर सुरेश माने साहब से। ये तो हो गई पूर्व की बात, और वर्तमान की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विदर्भ खानदेश तथा मराठवाड़ा के जो प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर सुरेश माने साहब, उनके साथ वर्तमान की बात, भूत की बात। लेकिन शुरुआत करते हैं वर्तमान में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि एक विभाग प्रमुख लॉ यूनिवर्सिटी का, एक अच्छा एडवोकेट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका अपना एक विशेष व्यक्तित्व और उसका अपना एक अध्ययन भी, ये सारी चीज़ें छोड़कर आप राजनीति से कैसे जुड़े? इसके जवाब अलग अलग ढंग से दे सकते हैं जी, लेकिन पहला जवाब ये है कि हमारा जो रोल मॉडल है जी, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, वो है बाबा साहब अम्बेडकर जी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन में दो चीज़ों का बहुत चतुराई से प्रयोग किया है। अच्छा। उसमें एक है लॉ और दूसरी है पॉलिटिक्स। अच्छा। और ये हमेशा कॉम्बिनेशन जो रहता है वो अच्छी सफल राजनीति के लिए एक आधार होता है। अच्छा। क्योंकि लॉ के कारण आप लीगल सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके आधार पे खड़े होते हैं। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर इसके साथ जुड़ जाए तो आप ये दोनों को अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकते हैं। बाबा साहब के भी जी जीवन के जो अनेक पहलू हम बार बार डिस्कस करते हैं, उसमें से कम प्रकाश डालने वाला या जो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई कि लॉ एंड पॉलिटिक्स का रेयर कॉम्बिनेशन होता है जी, जो बाबा साहब में है। अब बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते, और आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहो, अच्छा, लॉ के रास्ते पे जाने के कारण लॉ में भी पढ़ाई वक्त बाबा साहब भी मॉडल रहे, और पढ़ते पढ़ते राजनीति सीखने के लिए भी बाबा साहब मॉडल रहे। तो शुरू में हम तो वर्कर रहे, बाद में लॉ स्कॉलर बने। अच्छा। बाद में लॉ के प्रोफेसर बने, बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के बने जी, और कई महारत वो लॉ फील्ड में आ गए। वो एक एकेडमिक पहलू जो बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व से हमने सीखा है। लेकिन अगर उसका सार्वजनिक जीवन के लिए, समाज के लिए उपयोग नहीं होता है तो अच्छा नॉलेज भी डेड नॉलेज के बराबर है। राइट। तो अच्छा नॉलेज अच्छे चीज़ के लिए अगर इस्तेमाल है होना चाहिए तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पॉलिटिक्स में आती है। और इसीलिए मैंने 20 साल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर LLM PhD को पढ़ाने के बाद, PhD के लगभग 16 स्टूडेंट मेरे अंडर PhD लेने के बाद और कई सालों के एडवोकेसी के बाद 2011 में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अभी आपने बहुत पढ़ाया, अच्छा, साथ में कई राज्य भी संभाले, आप फुल टाइमर वर्क के आ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा कि एक अच्छा मौका है कि पहले भी फुल टाइम करते थे लेकिन थोड़ी बहुत वो एकेडमिक जिम्मेदारी रहती थी, तो आप पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय रहने का जो फायदा है वो भी बाबा साहब का मॉडल है जो आपको सीखना चाहिए। एक बात ये है साहब कि इसको सिर्फ मॉडल के रूप में लिया है कि फिर इसके लिए फिर खास कोई नीति भी बनाई आपने? क्योंकि राजनीति बगैर नीति के तो आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो आपने कैसा सोचा? क्योंकि बाबा साहब भी जब पॉलिटिक्स के साथ जुड़ते हैं तो वो अपनी नीति के साथ जुड़ते हैं, आपके पास अपनी कैसी नीति है? एक तो हमारी नीति स्टूडेंट लाइफ से तय हो गई। अच्छा। जब कांशीराम साहब DS4 के ज़माने में यंग लीडरशिप आइडेंटिफाई कर रहे थे, कैडर आइडेंटिफाई कर रहे थे, तब से मैं जुड़ा। अच्छा। तब ना मैं लॉ टीचर था, ना लॉ प्रोफेसर था, ना लॉ स्टूडेंट था, तो एक 11th 12th में कॉमर्स का स्टूडेंट करके पहले जुड़ गए। मतलब बहुत पहले इसकी नींव डली। ये 81-82 की नींव है। अच्छा। बाद में प्रोफेसर बने, बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने, तो बेसिकली जो हमारा पिंड जो है, जो एटीट्यूड है, वो बेसिकली मूवमेंट से जुड़ा होने के कारण
आप सालों से जुड़े रहे और बाद में जैसा भी जितना मौका मिलता है उसको छोड़कर आप फुल टाइमर हो गए, तो ये भी आपकी कमिटमेंट और नीति का ही हिस्सा है, क्योंकि नीति पहले तय हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब राजनीति में आपका जो आना हुआ वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हुआ? इसको हम राजनीति नहीं कहते। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी राजनीति में थे क्या, इसका जवाब आपको भी देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हम राजनीति में इसलिए है कि वो समाज की जरूरत है, बाबा साहब के आंदोलन की जरूरत है। हम राजनीति में कमिटमेंट के तौर पे हैं। राजनीति में हम जो मार्केट में नेता ब्रांड है वो बनने के लिए नहीं है। अच्छा, इस फील्ड में हम इसलिए हैं कि बाबा साहब ने बताया है या महापुरुषों ने बताया या पावर स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस रहता है सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, हर समाज के बदलाव में पावर प्रोसेस का अपना एक अनूठा महत्व होता है, तो ये पावर प्रोसेस में अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का, कमिटमेंट के लोगों का, जो लोग कैपेबिलिटी के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि वही आंदोलन को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। और इसलिए हम पॉलिटिक्स में है भी और नहीं भी, इसको हम एक ढंग से कहते हैं जी, जी, जी। इसको हम एक ढंग से कहते हैं जो कैडर कैंप में भी हम पढ़ाते हैं जी, कि यू कैन बी मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव विदाउट बीइंग एक्टिव इन अ पॉलिटिक्स। कभी कभी राजनीति में ना होने के बाद भी आप राजनीति में सक्रिय भूमिका कर सकते हो और अपने पहचान भी बना सकते हो, अपना अटेंडेंस भी दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है माने साहब, राजनीति में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है उस स्थिति में, और अभी चुनाव चल रहे हैं और ये महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव में आपके पास महाराष्ट्र का जो तीन सेगमेंट है, मतलब जिसके मराठवाड़ा है, खानदेश है, विदर्भ है, मतलब एक बड़ा हिस्सा आपके पास है, कैसी नीति बनाते हैं आपकी इस चुनाव में, आप किन मुद्दों के साथ जाना चाहते हैं और क्या वो क्या चीज़ है जिसके साथ बीएसपी लड़ रही है? ने आपके सवाल का पहला पार्ट कि बीएसपी की स्थिति कैसी है। जी जी, एक तो 1984 से बहुजन समाज पार्टी बनी जी, 1996 में राष्ट्रीय पार्टी बनी, आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल, जब बनी तब पाँचवें नंबर पर राष्ट्रीय पार्टी थी, आज है तो तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय पार्टी है। 1996 टू 2014, ये 14 और 4 18 साल बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है। 84 में बनी तो 84 टू 96 वो 12 साल, तो ये 18 साल और 12 साल 30 साल हो गए। 30 साल में बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय राजनीति की स्टेबल पॉलिटिकल प्लेयर है। मैं जब स्टेबल पॉलिटिकल प्लेयर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस 30 साल में कई राजनीतिक पार्टियाँ आई और चली गई, कई उतार पे गई, कई नीचे गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने इंडिपेंडेंट अस्तित्व के साथ कंसिस्टेंटली 30 साल भारतीय राजनीति में है। इस 30 साल के राजनीति में पार्टी ने अपनी स्टेट लेवल की सफलता हाईएस्ट लेवल पे हासिल की, जो उत्तर प्रदेश में 2007 में अपने ताकत पर बिना किसी अलायंस 206 एमएलए जिताकर 18 साल के उत्तर प्रदेश के राज्य के इतिहास में सम्मिश्र सरकार का कालखंड का अंत किया। 2007 से हम सरकार रही 2012 तक, या इस पीरियड में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा वर्तमान अध्यक्षा बहन जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, वो भी अपने बलबूते पर किसी के सहारे नहीं। उसके पहले 3 बार बनी, वो किसी न किसी सहारे बनी। तो भारतीय राजनीति में अंबेडकरी विचारों के आधार पर जी राजनीति करके अपना मुख्यमंत्री अपने ताकत के ऊपर बनाना, ये भी श्रेय बहुजन समाज पार्टी का है, दूसरे किसी दल को भारत में नहीं मिला। और आज भी बहुजन समाज पार्टी भले पिछले लोकसभा चुनाव में वोटरों का पोलराइजेशन होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे के कारण
और कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के यूपीए 1 और यूपीए 2 के निष्क्रियता के कारण जो वोटों का ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पे हुआ उसका बहुजन समाज पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी के कारण पहली बार पिछले ये लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, एक भी एमपी नहीं चुना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक आज भी देश में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की है। 2 करोड़ 59 लाख ये बहुजन समाज पार्टी की आज भी लोकसभा की 2014 की वोट बैंक है। जी जी, और इसलिए देश के लेवल पे बहुजन समाज पार्टी का आज भी अपना एक अस्तित्व है। रही महाराष्ट्र की बात, जी अब महाराष्ट्र की बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मित्रों, ये नीति राजनीति में बातचीत चल रही है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेश माने साहब से। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जब वो बीएसपी के शुरू के ही पीरियड में उन्होंने आरपीआई नेताओं को उनके एजेंडे को काफी सुधारने की कोशिश। नीति राजनीति कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं नीति राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के खानदेश मराठवाड़ा और विदर्भ के प्रभारी डॉक्टर सुरेश माने साहब से। ये बातचीत सर हम लोग जब ब्रेक से पहले जब छोड़े इसे तो ये बातचीत चल रही थी कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से ग्रोथ किया या फिर जो कुछ गेन किया उस पर ये बातचीत चल रही थी और महाराष्ट्र पर आप लौट रहे थे। महाराष्ट्र की स्थिति आप कैसा, उसका कैसा आकलन करते हैं आप? एक तो महाराष्ट्र ये फुले शाहू अम्बेडकर की जन्मभूमि कर्मभूमि बड़े पैमाने पर रही जी, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद 1964 तक जब तक दादा साहब गायकवाड़ इस अम्बेडकरी आंदोलन का प्रभावशाली रूप से नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अध्यक्ष उस वक्त आरपीआई के एन शिवराज थे, फिर भी उसका एक दबदबा रहा। महाराष्ट्र में भी दबदबा रहा, देश के दूसरे कोने में भी एक दबदबा रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1964 में दादा साहब के गायकवाड़ जी के नेतृत्व में एक आरपीआई का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको कहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिलने के लिए सत्याग्रह किया गया देश भर में। जी जी, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जेल में गए थे। दुर्भाग्य से 1964 के बाद ये बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने वाला आरपीआई का नाम का आंदोलन ये धीरे धीरे कांग्रेस के कब्जे में कांग्रेस वालों ने भी लिया और उसमें आरपीआई के कमजोर नेता के कारण भी वो आसानी से चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 73 तक आरपीआई का नेतृत्व लगभग धीरे धीरे खत्म हुआ, जिसका परिणति भारतीय दलित पैंथर या दलित पैंथर में हुई, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि इमैच्योर लीडरशिप का होना, साधनों का अभाव होना, समाजवादी नेताओं के इशारों के ऊपर खेलना और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के एक ही इशू में कई सालों तक उलझ के रहना, इसके लिए दलित पैंथर उससे बाहर नहीं आया। इसमें जो वैक्यूम पैदा हो गया था उस वैक्यूम में बहुजन समाज पार्टी 1984 में आती है। 1984 में जब पार्टी बनी तो 1985 में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए, तो 85 के महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में बसपा के संस्थापक अध्यक्ष कांशीराम जी ने आरपीआई वालों को ये कहा कि आप महाराष्ट्र संभालो, मैं दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाता हूँ। और 85 में बहुजन समाज पार्टी ने आरपीआई को खुला समर्थन दिया था कि भाई आप अपने ताकत के ऊपर चुनाव लड़ो। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने एक पत्रक भी प्रसिद्ध किया था 85 से लेकर 90 तक। वो पत्रक तो होगा ना? हाँ, अभी भी है, रिकॉर्ड पे मिल जाएगा। तब हमारे महाराष्ट्र के एक अध्यक्ष थे, दूसरे नागपुर के ही थे, अच्छा, जिनका वो थे, उनके सिग्नेचर से रिलीज किया गया था, तो वो 85 की बात है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में जो पहला चुनाव लड़ा वो 89 का है। तो पार्टी तो 84 में बनी, महाराष्ट्र का पहला चुनाव 89 में लड़ा,
इसलिए क्योंकि ये 5 साल का पीरियड आरपीआई वालों के लिए छोड़ा था। तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लड़ाई को शुरू करने से पहले अपने बड़े भाई के रूप में आरपीआई को स्वीकारा? कांशीराम जी की ये हमेशा भूमिका शुरू में रही जी। जब वो बामसेफ डीएसपी बीएसपी के शुरू के ही पीरियड में उन्होंने आरपीआई नेताओं को उनके एजेंडे को काफी सुधारने की कोशिश की। अच्छा, इसलिए उनकी मुलाकातें उस समय दादा साहब रूपावती थे, भंडारे थे, उनके साथ भी हुई, कोबरागड़े थे, गवई थे, उनके साथ भी हुई, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये रियल अम्बेडकर पॉलिटिक्स करें, कांग्रेस की राजनीति ना करें। लेकिन उसमें जब वो असफल रहे और आरपीआई के नेताओं ने, दलित पंथर के नेताओं ने जब उनको रिस्पांस नहीं किया, तब उन्होंने बामसेफ और डीएसपी के माध्यम से आगे बढ़ाकर 89 में पहला चुनाव लड़ा। अच्छा, अब 89 में भी जब महाराष्ट्र में चुनाव पार्टी लड़ी तो भी आरपीआई इतने लगभग वोट बहुजन समाज पार्टी में मिले, क्योंकि तब कोई हाथी निशानी नहीं थी बहुजन समाज पार्टी की, कोई और इंडिपेंडेंट लोगों की निशानी होती थी, क्योंकि हाथी निशानी बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे 1996 को मिली। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति जो है वो 90 के बाद शुरू होती है। अच्छा, 90 से लेकर 2000 तक दो चुनाव हुए, दो लोकसभा के हुए, उसमें बहुजन समाज पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी 2000 तक। कैसे आगे बढ़ी? तब तक कहीं लोकल लेवल पे तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में लगभग 70-80 के पास लोगों के पार्टी के नुमाइंदे चुन के आए थे। इसके पीछे नीति क्या रही? हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में, मैंने जो हिस्ट्री थोड़ी आपको ये बताई इसलिए कि कांशीराम जी भी हमें बार बार समझाते थे कि महाराष्ट्र में अम्बेडकरी आंदोलन को यशस्वी नहीं होने के लिए बड़ी ताकतें काम करती है। अच्छा, और उनका एक मकसद है कि दूसरे राज्यों के लोग अम्बेडकरी आंदोलन और विचार की तरफ की राजनीति ना करें, इसलिए अम्बेडकर के विचारों के आधार पर ही राजनीति महाराष्ट्र में असफल होनी चाहिए। इसलिए पुणे में बैठे लोग, नागपुर में बैठे लोग, मतलब जहाँ जितनी ज्यादा बड़ी आग लगती है उतनी ज्यादा उसके बुझाने के सामान उतनी ज्यादा फेल करो, बिल्कुल, ताकि वो फैल ना जाए। अच्छा, और इसलिए महाराष्ट्र में अम्बेडकर विचारों की राजनीति असफल होने के लिए कांग्रेस हो, आरएसएस के लोग हो, दूसरे फैसिस्ट ताकते हो, इन्होंने इतनी ताकत लगाई है। कांशीराम जी इसको कहते थे गोखले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पूना वाला, ये नागपुर के लोग, रेशिमबाग के, तो ये लोगों की ये दिलो ख्वाहिश कोशिश रही है कि अगर महाराष्ट्र में फेल हो गई तो वो आसानी से तमिलनाडु वालों को कह सकते हैं, हरियाणा वालों की कह सकते हैं, देखो बाबा साहब के कर्म भूमि में उनका आंदोलन नहीं चल रहा है, उनके आंदोलन की राजनीति नहीं सफल हो रही है, तो तुम्हारे प्रदेशों में कैसी होगी, और ये कहकर पूरे देश में अम्बेडकरी आंदोलन को मिटाकर महाराष्ट्र को सीमित करना जी। ये एक बड़ी क्रूयल कॉन्स्पिरेसी थी और इसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या साहब, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसमें आप स्वयं कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं? इसमें ये सच है कि महाराष्ट्र के अम्बेडकरी आंदोलन के जो भी नेता हैं, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हो, चाहे और किसी संगठन के हो, वो कमज़ोर साबित हुए, क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास तो कोई मिटा नहीं सकता, आंकड़े तो कोई मिटा नहीं सकता, शत्रुओं की स्ट्रेटेजी के जो बलि बन जाते हैं, बलि बन गए, ये सच्चाई है। खास करके कांग्रेस ने इनको अच्छी तरह से लपेटा, जिसका परिणाम हुआ कि इंडिपेंडेंट अम्बेडकर पॉलिटिक्स ये कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ, जिसका परिणति बहुजन समाज पार्टी को भी तकलीफ हुई, क्योंकि जब जब बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में ऊपर सर उठाती है कांग्रेस वाले आरपीआई को बड़ा करते हैं। अच्छा, और फिर समाज समझता है कि आरपीआई मतलब बाबा साहब की पार्टी है, जबकि बाबा साहब की आरपीआई और आज की सारी आरपीआई, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर बाबा साहब होते तो ये सारी आरपीआई बंद करके कहते कि भाई ये मेरी आरपीआई नहीं है। अच्छा, और आरपीआई ए बी सी डी ये तो बाबा साहब की हो ही नहीं सकती जी। तो इसलिए जब भी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में सर उठाने की कोशिश करती है तो मीडिया के माध्यम से, सोशल प्रेशर के माध्यम से,
अम्बेडकराइट जो कांग्रेस में दलित नेता बने हैं उनके माध्यम से या आरपीआई के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का बेस महाराष्ट्र में ना बने, उसकी जड़ें ना मजबूत हो, इसके तरफ हमेशा कांग्रेस पार्टी या दूसरे जो अम्बेडकर विचारों के विरोधी है वो इस कोशिश में लगते हैं, क्योंकि उनके लिए आरपीआई के 100 भी एमएलए आए तो भी चलेगा, लेकिन बीएसपी का एक भी एमएलए नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीएसपी का एक एमएलए आना मतलब मायावती का विधानसभा के अंदर आना, और आठवले हो प्रकाश अम्बेडकर वो 100 बर्दाश्त करेंगे लेकिन एक मायावती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मार्जिनलाइज किया जाता है मीडिया के माध्यम से, आरपीआई को बढ़ावा देकर, कांग्रेस में दलित नेता है उनके माध्यम से, ये बीएसपी को उठने नहीं देते, ये सच्चाई है। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की आज की जो वोट बैंक है जी, खास करके 2004 के बाद, जी हाँ जी हाँ, 2004 के बाद पार्टी की बागडोर वर्तमान अध्यक्ष बहन जी के हाथ में आ गई। बिल्कुल, कांशीराम जी 2003 में बीमार पड़े और 4 में जब बागडोर आए तो 4 में जब चुनाव हुए 2004 में, तो पहली बार बसपा को अपने बलबूते पर 4.5% महाराष्ट्र के वोट पड़े। अच्छा, जिसके कारण क्या हुआ, उस वक्त विदर्भ की 11 सीटें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हारे, ये बहुजन समाज पार्टी के हारे, बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस राष्ट्रवादी के हारे, जिसका बड़ा नतीजा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ना बढ़ने का पूरा इंतजाम किया। नतीजा क्या हुआ, बसपा की बाद में वोट बैंक झिकझैक करके पिछले लोकसभा चुनाव में वो 2.64 मतलब 3.25% के पास आई, मतलब फिर कम हो गए, कम हो गई, अब 3.25% के पास आ गई। अब जब 3.25% बसपा की वोट बैंक है तो इस चुनाव में हमारा लक्ष्य है कि इसको किसी भी तरह से राजनीति में किसी भी तरह से, वर्ड बहुत मायने रखता है, अगर नीति राजनीति की बात है तो हम लोगों को समझ में चाहिए, समझ रहे हैं हम लोग, किसी तरह से ये वोट बैंक 10% के पास 10% के पास पहुँचे, इस कोशिश में हम लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम इसको पूरा करके रहेंगे। संभावना कितनी, संभावना 99% है, 1% की गुंजाइश, राजनीति तो पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। जी जी जी, प्रोबेबिलिटी तो हम, अच्छा लेकिन एक बात है साहब, ये तो हो गई हमारे पास जितना आपके पास ऐतिहासिक जितना तथ्य है उसके आधार पर आपने ये सब बात कही, लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसे है कि पूरे देश की राजनीति में बीएसपी अपना अस्तित्व यूपी में भी रख नहीं पाई। बसपा का यूपी में अस्तित्व नहीं है प्रतिनिधिक तौर पर, हाँ प्रतिनिधिक तौर पर, क्योंकि बसपा दो तरह से प्रतिनिधित्व करती है, एक अच्छा। मूवमेंट के तौर पर, हाँ, और एक राजनीति के तौर पर। अच्छा, कांग्रेस की अभी कोई मूवमेंट नहीं है, बीजेपी की कोई मूवमेंट नहीं है, बीएसपी की अभी भी अपनी बहुजन समाज की एक मूवमेंट है, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की मूवमेंट है, बसपा सिर्फ राजनीति नहीं कर रही है। तो बसपा का मूवमेंट के तौर पर तो देश पे लेवल पे अपना एक अस्तित्व है, रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर का जो अस्तित्व है, तो हम उत्तर प्रदेश में 83 एमएलए हैं, 83 एमएलए मतलब कोई कम ताकत नहीं है, 83 एमएलए का एक एमएलए का अगर आप 40,000 वोट पकड़ो तो 83 × 40 ये उतने वोटर है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा में अभी भी अपने 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अच्छा, आज भी कोई भी बिल अगर राज्यसभा में पास होना है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सकता, ये राज्यसभा में ताकत है, सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व गायब हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिनिधित्व यूपी से गायब हो गया, लोकसभा चुनाव में गायब हो गया, अब थोड़े समय के बाद 2015-17 में होगा विधानसभा चुनाव। अच्छा लेकिन एक बात तब, है तब बहुजन समाज पार्टी फिर पूर्ण बहुमत से वापस आएगी जैसे 2007 में बनी थी, और इसकी मिसाल आज नहीं है, 2007 में भी हमने कहा बीएसपी आएगी, कोई नहीं बिलीव किया, आप ही लोग नहीं करते थे और अम्बेडकर के लोग तो विश्वास हार चुके हैं कि हमारी अपनी सरकार होगी,
2007 में बनी, 2017 में भी बनेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लेकिन तो कोई अस्तित्व खतरा कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात पर आपका क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। आरपीआई पर बीएसपी के लोग बहुत आक्षेप धरते हैं। पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी या कांग्रेस के गठबंधन के साथ मिलकर काम करती है, इस बात को जस्टिफाई कैसे करें? नहीं, बहुजन समाज पार्टी जरूर यूपीए 1 और 2 का आउटसाइड सपोर्ट वाली पार्टी थी जी। हम किसी भी गठबंधन के आज तक पार्ट नहीं है, ना कांशीराम साहब के, ना कांशीराम के जमाने में, ना बहन जी के जमाने में, ना हम यूपीए का पार्ट रहे, ना एनडीए का रहे, आउटसाइड सपोर्ट। तो फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स के कुछ कंपल्शन के अंदर काम करना होता है, जैसे कि पिछड़े वर्ग के कर्मचारी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये मामला तो बहुजन समाज पार्टी ने लिया जी, राज्यसभा में, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी ने भी उठाया। अब ये पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण का मामला, उसको समर्थन लेने के लिए दूसरे पार्टी का हमें समर्थन लगता है, तब दूसरी पार्टियां भी हमसे थोड़ा समर्थन मांग लेती हैं। तो ये गिव एंड टेक पॉलिसी के अंदर अपने समाज के प्रभावित करने वाले इशू को आगे पुशअप करने की जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, इसको ये नहीं कह सकते कि हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के समर्थन कर रहे होते तो न्यू डील प्रोग्राम में ये जो अमेरिका से न्यूक्लियर डील के प्रोग्राम पर जी बीएसपी कांग्रेस के खिलाफ थी, गवर्नमेंट गिराई गई उनकी, हम अपोजिशन में थे, एफडीआई के मामले में अपोजिशन में थे, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मतलब दलितों को गांव में गुलामी का रखने का प्रोग्राम है, हम थोड़े उनके साथ हैं। हम इशू को लेकर, जिस इशू से दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक पिछड़ों का फायदा होता है, उसके लिए हम साथ देते थे, अगर नहीं होता है तो उसका विरोध करते थे, जिसके लिए हमें जनता ने, बहुजन समाज के लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको साथ देते थे। चलिए डॉक्टर साहब, इस बातचीत को यहाँ पर रोकेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेके। मित्रों, इस समय हम लोग ये नीति राजनीति में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश माने साहब से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के प्रभारी भी है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। और उन 21 लाख वोटों में अकेले बसपा के 13 लाख वोटे महाराष्ट्र के। नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस समय हम लोग नीति राजनीति में बातचीत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेश माने साहब से। सुरेश माने साहब पूर्व में मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उनका अपना एक विशेष स्टडी है और इस वक्त वे बहुजन समाज पार्टी के मराठवाड़ा, खानदेश और विदर्भ के प्रभारी भी हैं, और ये बातचीत उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी अभी आपने ये जो बात कही कि बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों के साथ, चाहे फिर वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, या फिर जिसको 85% जो बहुजन समाज, जिसकी कांशीराम जी ने जिसकी संकल्पना रखी, उसके फायदे के लिए काम करते हैं। इस वक्त विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में है, क्या मुद्दे हैं आपके पास कि जिन मुद्दों के साथ आप इस चुनावी मैदान में खड़े हैं? वही फिर नीति की बात जी, बिल्कुल। नो प्री पोल अलायंस। अच्छा, ये कांशीराम जी का सिद्धांत है, नो प्री पोल अलायंस जी, एक्सेप्ट 1996, चुनाव से पहले कोई गठबंधन, कोई गठबंधन है सिर्फ 1996 ने कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ किया था। उसमें से कांग्रेस को 125 सीटें दी थी जी, और कांग्रेस बीएसपी को 300 सीटें थी। और ये भी कांशीराम जी ने इसलिए किया था कि आरपीआई और कांग्रेस के युति में एक सीट आरपीआई को मिली थी और 521 सीटें कांग्रेस ने ली थी। तो अंबेडकर के खाते में एक, गांधी के खाते में 521। कांशीराम जी कहते थे मैं दिखाता हूँ अलायंस कैसे करना, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ किया। अंबेडकर के खाते में 300, गांधी के खाते में 125, ये बदला लेने के लिए उन्होंने अलायंस किया था। इसके सिवा बहुजन समाज पार्टी ने आज तक देश में कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया।
इसके पीछे दूसरी जो नीति है, अब नीति राजनीति की बात चल रही है तो नीति समझ लो, नीति क्या है कि बहुजन समाज यही एक अपने आप में गठबंधन है। अच्छा, ये सोशल अलायंस है हमेशा, मतलब राजनीति में जैसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है, ये सोशल अलायंस ही है। अच्छा, हमेशा राजनीति में कौन से गठबंधन की चर्चा होती है, पॉलिटिकल गठबंधन की, सामाजिक गठबंधन की चर्चा नहीं होती। और ये सामाजिक गठबंधन पॉलिटिक्स का आधार होना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने 1948 में कही। लेकिन क्या ये आधार महाराष्ट्र में मिल पा रहा है? हाँ, ये कई राज्यों के अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन रहते हैं, जी जी, उस आधार पर बनता है। अब जैसे बसपा की जो महाराष्ट्र में 4.5% जो भी वोट बैंक है जी, उसमें तो ये पूरा ठोस नहीं दिखता है जो 85% वाला है, क्योंकि हर एक स्टेट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। बिल्कुल, वहाँ की अपनी सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, सोशल कॉम्पोजिशन होता है जी। तो महाराष्ट्र में तो नहीं बनाया अभी तक। इसके बावजूद जो इलेक्ट्रल रिफ्लेक्शन है बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र का, वो तमाम अम्बेडकरी पार्टी है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल मैं कह रहा हूँ तो 2014 के मैं आंकड़े आपको देता हूँ। 2014 में जो जितनी भी अपनी महाराष्ट्र की अम्बेडकरवादी पार्टियाँ हैं जी, वो सारी चुनाव लड़ी और ये सारे पार्टियों को लगभग 21 लाख वोट पड़े, और उन 21 लाख वोटों में अकेले बसपा के 13 लाख वोट हैं महाराष्ट्र के। अच्छा, तो बचे 7-8 लाख, तो 8 लाख वोटों में प्रकाश अम्बेडकर है, रामदास अठावले है, गवई है, कवाड़े है, और तुम्हारे छोटे मोटे रिपब्लिकन वाले नागपुर में छोटी मोटी बहुत सारी पार्टी आजकल पनप ले रही है जिसको राष्ट्रीय लोक के आप पार्टियां कहते हैं, तो वो 7.5-8 लाख में। तो बसपा का अकेला वोट बैंक 12,72,000 पिछले लोकसभा का है। इस चुनाव में जो हमने टारगेट उसी नीति को ध्यान में रखते हुए जी, कि किसी के साथ कोई अलायंस नहीं, 288 सीटें लड़ रहे, 288 में से मुझे लगता है 6 कैंडिडेट टेक्निकल लेवल पे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो लगभग 288 से 6 गए तो 282 ये कैंडिडेट आज मैदान में है और वो अपने ताकत में है। अब ये 282 में आपके विदर्भ में 62 में 60 है। नहीं, खैर ये तो डॉक्टर साहब नीति हो गई कि आप इस इलेक्शन में को कैसे फेस कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या लेकर निकले हैं आप, कि जब इतने कैंडिडेट किए तो कुछ ठोस मुद्दे भी हैं, आधार है जी। एक तो बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, ये एक आधार है। ये फुले शाह अम्बेडकर बहुजन समाज के महापुरुष का पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है, ये दूसरा है। तीसरा है कि ये इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करती है जिसको ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, ये तीसरा आधार है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना नेशनल ग्लैमर है, नेशनल स्टेटस है, नेशनल लीडरशिप है, ये चौथा आधार है। ये नेशनल लेवल पे इशू है। रही महाराष्ट्र लेवल की बात है कि महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को कामयाब करना एक सबसे बड़ा एजेंडा है। अच्छा, ये एक एजेंडा है। और फिर रीजन वाइज जैसे विदर्भ है, अलग विदर्भ की अच्छा, मांग है। ये विदर्भ पर जो अलग, अलग, मैं आता हूँ उस विषय पर, ये अलग विदर्भ की मांग है, ये दूसरा मुद्दा है। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहती क्योंकि वो हिंदू को आइडेंटिफाई अलग नाम से नहीं करना चाहती, तो उसको विरोध है। दलितों के एट्रोसिटीज काफ़ी बड़े आंकड़े दिए थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पिछले विधानसभा में, आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़े, इसकी कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं। ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप के पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। मराठवाड़ा में बैकवर्डनेस का कोई लेवल नहीं। विदर्भ का अनुशेष आप तो जानते हैं अच्छी तरह से जी, बिल्कुल। विदर्भ में ग्रामीण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर इरिगेशन तक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर कई सारे डेवलपमेंटल के प्रोसेस तक कोई काम नहीं है विदर्भ मराठवाड़ा में। तो ये बैकवर्डनेस ऑफ मराठवाड़ा विदर्भ जिसको हम असमतोल विकास कहते हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार की कई कमेटियाँ बनी लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके साथ महाराष्ट्र में दूसरे भी जो खास मुद्दे हैं, कैसे कि आदिवासी के और धनगर की खाली पीली रिजर्वेशन के नाम पे लड़ाई ये कांग्रेस राष्ट्रवादी ने लगाई, कोई ज़रूरत नहीं थी। मराठों को आरक्षण दिया, अच्छी बात है। ओबीसी का जिलावार आरक्षण कम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब प्लान जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होता है आज तक कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, केंद्र में भी नहीं हुआ, सरकार किसी की भी हो
चाहे अच्छे दिन वालों की हो बुरे दिन वालों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो महाराष्ट्र में इतने मुद्दे है, किसानों की आत्महत्या विदर्भ का पावरफुल मुद्दा है, एरिगेशन स्कैम है। अब देखो सारी तो पार्टियां इसे रोकने का बीएसपी के पास नहीं, सारी पार्टियां अब इसके बारे में बोल ही नहीं रही है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो शिवसेना हो राष्ट्रवादी हो, ये इसके ऊपर नहीं बोल रहे। बहुजन समाज पार्टी का जो सॉल्यूशन है, जो मैंने कहा कि एक तो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब भी शासन में आती है तो उनका एक लॉ एंड ऑर्डर का अपना रिकॉर्ड है, और ऐसे स्कैम भी है तो उनका ठीक करने का भी तौर तरीका उत्तर प्रदेश में जब भी मायावती का शासन आया तब लोगों ने देखा है, चाहे राजा भैया हो या और कोई भैया हो, तो उसका भी इंतजाम करने में बीएसपी लगी है। अगर महाराष्ट्र में भी बीएसपी उतनी ताकत से आती है तो उतना तगड़ा इलाज करना पड़ेगा जो राजनीतिक ताकत बीएसपी के पास है, राजनीतिक विल पावर जिसको हम कहते हैं, ना वो कांग्रेस या बीजेपी या शिवसेना, क्योंकि ये तो सारे उसमें शामिल है। नहीं, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब जो कही जाती है कि बहुजन समाज पार्टी अभी विदर्भा के मुद्दे के साथ जुड़ी है और अभी वो विदर्भा पर बहुत बातचीत कर रही है और ये उनका चुनावी मुद्दा है, ये राजनीतिक इश्यू है। है ना, चुनावी मुद्दा है, हम किधर ना बोल रहे, तो बिल्कुल हम एडमिट कर रहे चुनावी मुद्दा। आज तक बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे के साथ गलत नहीं है, आपकी जानकारी भी या परसेप्शन गलत है। 2009 में भी मैनिफेस्टो में था, अच्छा 2004 में भी था, अच्छा, और हम बाबा साहब के छोटे राज्यों की नीति को मान चुके हैं, मानते हैं, इसलिए छोटे राज्य जब भी बने चाहे तेलंगाना हो छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो बीएसपी ने समर्थन दिया। बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 5 राज्य बनने चाहिए जी जी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा असेंबली ने ठहराव पास किया, केंद्र को भेजा, केंद्र ने कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो बहुजन समाज पार्टी ये छोटे राज्यों की पक्षधर है। रहे इल्जाम कि विदर्भ का मुद्दा चुनाव के समय उठाया है, तो हम कह रहे चुनावी मुद्दा है, विदर्भ के लोगों ने इसी मुद्दे के ऊपर तो वोट करना चाहिए कि जो विदर्भ को समर्थन देने वाली पार्टी है उसको चुनना चाहिए कि विदर्भ को विरोध करने वाले पार्टी को चुनना चाहिए, इसका फैसला विदर्भ के जनता ने करना चाहिए। और मुद्दों की बात चुनाव में ही होनी चाहिए, क्या चुनाव पैसों के आधार पर चले, क्या चुनाव दादागिरी के आधार पर चले। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी पर जो दोषारोपण हो रहा है वो कोई दोष ही नहीं है, उसको आधार ही नहीं कोई, वो बिल्कुल कोई आधार नहीं, आरोप करना है आरोप करने वाले कर सकते हैं, हाथी चलता है बाकी अपना काम करे। अच्छा डॉक्टर साहब, बातचीत नीति और राजनीति में हो रही है, यहाँ महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति होती है ये जातिगत आधार पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है और लगभग हम पूरे देश में भी देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जैसा कि आपने कहा कि यहाँ वो सारे खंड जो खंड इसके साथ जुड़ने चाहिए थे जातियों के, वो खंड बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जुड़ना, इसके पीछे विशेष कारण क्या रह सकता है, या फिर बहुजन समाज पार्टी इसे जोड़ नहीं पाई, क्या ये अपना एक फेल्यूरनेस है? एक शुरुआती बात में, महाराष्ट्र का अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का जो दायरा है जी, वो दुर्भाग्य से शुरू से आज तक नहीं बढ़ा। अच्छा, बाबा साहब के जाने के बाद 64 तक थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन 65 के बाद वो इतना सिकुड़ते गया कि वो बहुत छोटा हो गया। अच्छा, और जिसका खामियाजा बीएसपी को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बीएसपी को भी दलित पॉलिटिक्स करके ही माना जाएगा, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करके ही माना जाएगा, ब्लू फ्लैग पॉलिटिक्स की करके माना जाता है। इसलिए दूसरे समाज के जो लोग हैं, खास करके शिवसेना ने इसमें बड़ा भारी रोल खेला, और जो नॉन अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट है, ये हमें बात गहराई से समझनी पड़ेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि शुरू में नॉन अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट को अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट से जुड़ने नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, बाद में 80 के दशक में इसको बड़े लेवल पर शिवसेना ने किया, और शिवसेना ने नॉन अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट को या ओबीसी को अपने दायरे में लेकर उनको प्रमोट करके उनके इंटरेस्ट की बात की, लगभग एक पेटेंट राइट उन्होंने बना के रखा, इसलिए वो तबका दूर गया। महाराष्ट्र में मराठा नाम का दूसरा तबका है, वो हमेशा शक्तिशाली और सत्ताधारी वर्ग रहा है, वो आपके साथ कोई जुड़ने का सवाल नहीं है। बीच में वाली जो छोटी मोटी जातियाँ हैं, जैसे धनगर है, माली है, नाई है, कुनबी है, ये जो समाज के तबके हैं, ये भी कुछ कुछ जिलों में दबंग रूप से है, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र है,
तो माली मजबूत रहता है या नासिक का माली मजबूत रहता है, दूसरे जिले का माली कमजोर होगा। कुनबी विदर्भा में भी कुछ कुनबी मजबूत है, लेकिन जो कोकण है जिसमें 70-75% कुनबी आबादी रहती है। नहीं तो इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहां रखेगी? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को भी अपना जो आधार है, जनाधार है, वो ढूंढने में दिक्कत भी हो रही है। और वो दिक्कत क्यों हो रहे है? क्योंकि अम्बेडकरी आंदोलन का सिकुड़ता वो जो आधार रहा महाराष्ट्र में, उसका भी खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आज बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन जय भीम कहने वाले आपको कुनबी मिलेंगे, जय भीम कहने वाले मुसलमान मिलेंगे, चंद आदिवासी मिलेंगे, कुछ साथी तो बहुजन समाज पार्टी में मिलेंगे। ये धीरे धीरे अभी बढ़ोतरी की बात है। अब ये बात अगर इस चुनाव में, जो हमारी कोशिश है और विश्वास है कि अगर इस चुनाव में हम 10-15-25 सीटें जीतते हैं, तो ये प्रोसेस लगातार बढ़ेगी। क्योंकि बाकी वर्गों को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को, उनको सामाजिक परिवर्तन से कम लगाव है, उनको पॉलिटिकल परिवर्तन से ज़्यादा लगाव है, राजनीतिक परिवर्तन से ज़्यादा लगाव है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के फेज में वो आपके साथ कम संख्या में जुड़ेंगे, और राजनीतिक परिवर्तन के फेज में ज्यादा संख्या में जुड़े। तो क्या इस फेज पर काम कर रही है बीएसपी? तो हाँ, तो चुनाव जो प्रक्रिया है वो इस प्रोसेस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे तबकों का अपने साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। जैसे आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में भी लगभग 11-12% होने के बाद भी राजनीति में कोई अपना वजूद नहीं है, उनका कोई अहम नहीं देता है, कोई पार्टी नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के इस चुनाव में लगभग 10 या 11 जगह पे मुस्लिम साथी दमदार तरीके से लड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि 4-5 तो उसमें आराम से जीतेंगे। 1-2 नांदेड़ में, 1-2 जालना में, 1-2 अमरावती में, तो ये कई साथी इतने ताकत से लड़ रहे चुनाव, तो उनकी आइडेंटिटी जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनेगी और सफलतापूर्वक बनेगी, तो बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए उनके माध्यम से हमें आसानी होगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस बढ़ती बढ़ती, लेकिन आज भी कितना भी कम कहे तो 4% तक तो हम है। चलिए, और 4% कोई छोटा आंकड़ा नहीं। अच्छा, चलिए 4% को आप 10% बढ़ाने के लिए इस वक्त आप काम कर रहे हैं, और हमारा ये वक्त जाता रहा है, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे। नीति राजनीति में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बात आप हमारे व्यूअर्स के लिए करेंगे, इस वक्त वे सब आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक बात क्लियर कट है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का हाथी किसी भी कीमत पर विधानसभा के अंदर जाएगा। अच्छा, किसी भी कीमत पर जाएगा। राज्यों में चौकोनी, पंचकोनी, षटकोनी मुकाबले हैं, इसमें बीएसपी उम्मीदवारों का जीतना ज़्यादा आसान है। हम दिखा देंगे बौद्ध समाज को, अंबेडकर समाज को जीतने का इससे ज़्यादा बढ़िया मौका दुनिया में और भविष्य में बाद में कभी नहीं मिलेगा। इस मौके का हम पूरा फायदा उठाएंगे, और किसी भी हालत में 25 तक हमारा टारगेट है, हम उसमें सफल होंगे। और अगर कोई बीजेपी वाला कहता है कि भाई घोड़ा हमारा होगा, सरकार हमारी होगी, तो हम कहते हैं लगाम हमारी होगी, आपकी लगाम हमारे हाथ में होगी। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के राजनीति में बैलेंसिंग ऑफ पावर बनेगी। ज़रूरत है मीडिया माफिया ये प्रयोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, बीजेपी वाले करेंगे, उसका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, वर्करों ने, अम्बेडकरी आंदोलन के साथियों ने करना ये वक्त की ज़रूरत है। और ये जीत केवल बीएसपी की नहीं होगी, ये जीत महाराष्ट्र के तमाम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी की होगी, जो बाबा साहब को अपना पॉलिटिकल मॉडल मानते हैं, सोशल मॉडल मानते हैं, कल्चरल मॉडल मानते हैं। ये बीएसपी की ना जीत होकर उनकी भी जीत होगी, इसलिए उनको भी बड़ा भारी इसमें रोल देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ये मेरा भी उनसे अपील है। नीति सिर्फ वोटों की नहीं होती, और राजनीति भी सिर्फ वोटों से जुड़ी नहीं होती, राजनीति नीति से भी जुड़ी होती है, चरित्र से जुड़ी होती है, उद्देश्यों से जुड़ी होती है, और विकास की संकल्पनाओं से जुड़ी होती है, समाज के संतुलित विकास से जुड़ी होती है, अर्थतंत्र के संतुलित विकास से जुड़ी होती है। इन सब मुद्दों पर यह बातचीत आई डॉक्टर सुरेश माने साहब से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस समय बहुजन समाज पार्टी के विदर्भ, खानदेश और मराठवाड़ा के प्रभारी भी हैं।
नीति राजनीति में हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। जय भीम। मित्रों बने रहिएगा, नीति राजनीति में तो यहाँ पर रुक रहे हैं लेकिन प्रोग्राम आगे भी जारी है आवाज़ इंडिया टीवी पर।